का कोई संकेत उनकी तरफ से नहीं आया। फोर राइवल्स के एक और प्लेयर को पिक करके उन्होंने गॉडलाइक के लिए ये पुश और आसान बना दिया है। 3v4 यहाँ पे चार्ज देखने को मिलता है। क्लच गॉड बैकलाइंस पर मौजूद जोनाथन आगे चार्ज करे, प्लेयर को स्पॉट आउट किया और कंप्लीटली अनअवेयर थे फोर राइवल्स के। ईपू उनको नॉक और फिनिश किया जाएगा। आखिरी प्लेयर बचे जो बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देयर इज द पैन। श्योर व्हाई नॉट, जोनाथन यहाँ पर एक पैन करते हुए नजर जो है, लेकिन रिथ यहाँ पर आखिरी प्लेयर बचा और उनके घर के ऊपर लोग आ चुके हैं। नॉक नॉक, हूज देयर? कोशिश काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हो रही है, उनको फिनिश किया जाएगा क्लच गॉड के द्वारा। गॉडलाइक तीन फिनिशेस ऑलरेडी ले चुकी है और जो चौथा फिनिश था वो डायमोन के फॉरेस्ट के पास गया था, बट काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर फाइट्स निकाली गई है गॉडलाइक के द्वारा। बेशक वो जो मोमेंटम की हम बात करते आता है, लेकिन अगर आप अभी भी रैंकिंग्स देखें तो 6-8 से वो अभी भी पीछे हैं। सो डेफिनेटली उनको ये गेम ऐसे ही एग्रेशन के साथ चलाना पड़ेगा। साइलस मीनवाइल इनफिनिटी के प्लेयर को दिक्कत दे रहे हैं। अगेन 30 का आंकड़ा जो है वो पार करना है। फोर राइवल्स को देखिए, हमारी जो 30 की बॉर्डर लाइन हम लेकर चल रहे थे वो हमारे पास क्लियर आ चुके हैं। फोर राइवल्स 30 पॉइंट्स पे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब देखना होगा इस मैच में उनके नीचे उन्होंने अपनी गाड़ी लगा जरूर दी है और बिल्कुल सामने फाइट लेना चाहते हैं, बट जोनाथन भी थोड़ा सा ओपन एरिया में है। इजी उनको स्पॉट करके थोड़ी बहुत गोलियां उनके ऊपर चलाएंगे, ग्रेनेड यहाँ पर करना चाहते हैं, बट ग्रेनेड का आदान प्रदान होगा दोनों तरफ। ज़ीगोट का ग्रेनेड जोनाथन को ही लेकर के जाता हुआ, ज़ीगोट का ग्रेनेड खुद को लेकर के जाता हुआ, एक बहुत बड़ा ब्लंडर। I'm not going to talk about this. I'm not going to talk about this at all. The way it happened, you saw this, right? I'm not going to talk about this. वो ग्रेनेड किया जरूर गया था, definitely सही तरीके से ग्रेनेड जाता, but जोनाथन गाड़ी ज्यादा आगे लगा गए। ज़ीगोट उस पोजीशन के कारण, क्योंकि गाड़ी उनके आगे थी, पीछे सही मौके पर नहीं जा पाए, उन्होंने प्लेयर को देखा एंड वो एक ग्रेनेड। अब नियो अकेले बचे हैं एकदम से, अल्फा 7 के प्लेयर ऊपर की तरफ को हैं और वहीं पर आप फिबोनाची के प्लेयर्स को देखिए, वो भी जा रहे हैं।